रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से कार्क की थिन स्लाइसेस को अपने रेजर ब्लेड से काट कर उस सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने पाया कि ये जो थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क हैं वो हॉनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही हैं उस हॉनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने पाया कि ये और कुछ नहीं है ये डेड सेल वॉल्स हैं ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स जो थे रॉबर्ट हुक ने उन्हें कहा ये सेल्स हैं और उसके इम्पॉर्टेंस को रॉबर्ट हुक भी रियलाइज नहीं कर पाए उन्होंने सोचा कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये शायद फ्लूड को कंडक्ट करने वाले पैसेजेस हैं इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को ग्री और मेलपीजी ने फिर रिपीट किया प्लांट सेल्स पर और ग्री और मेलपीजी ने पाया कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये वेसिकल्स या कैविटीज को इनक्लोज किए हुए हैं ये कैविटीज और वेसिकल्स जिन कंपार्टमेंट्स के द्वारा घिरे हुए हैं वो सेलुलोज वाल की बनी हुई है